हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वैकेंसी निकल कर आई है, ये वैकेंसी निकली है आपकी नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपके लिए 139 यानी कि 139 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकली है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी समस्या हो, इन वैकेंसी को लेकर कोई भी डाउट हो, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपके लिए नोटिफिकेशन भी है कि नेशनल फॉरेंसिक्स साइंसेस यूनिवर्सिटी NFSU हैज़ इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग 139 पोस्ट। दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ NFSU असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 एंड कंप्लीट द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर NFU नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2022। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपकी नॉन टीचिंग की जो है 139 पोस्टें निकाली गई हैं। और यदि आप फ्रेंड्स इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी है @NFSU.ac.in। आप यहां पर जाकर इसका पूरा नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर फ्रेंड्स, आपका देखिए नंबर, आप पोस्ट की बात करें तो 139 पोस्ट हैं। पोस्ट का नाम आपका नॉन टीचिंग पोस्ट निकाली गई हैं। फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो यहाँ पर आपकी फॉर्म भरने की डेट 3/5/2022 यानी कि आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कैटेगरी की बात करें तो ये आपकी यूनिवर्सिटी कैटेगरी की जॉब है। फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ऑफिशियल लिंक की वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर फॉर्म भरना आपके 3/5/2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है आपके फॉर्म को अप्लाई करने की 21/5/2022। तो अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है। यदि आप फ्रेंड्स इसके लिए एलिजिबल हैं, तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो UR, OBC और EVS के लिए यहाँ पर ₹500 फीस रखी गई है। SC ST PS एंड फीमेल के लिए यहाँ पर निल यहाँ पर है, मतलब आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट मेथड आपका ऑनलाइन ही होगा फीस सबमिट करने का। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की एक पोस्ट निकाली गई है। एज लिमिट आपकी 55 साल होनी चाहिए। फाइनेंस ऑफिसर की एक पोस्ट निकाली है। डेप्यूटी जो आपका रजिस्टर होता है, वो आपके जो आपका डेप्यूटी रजिस्ट्रार होता है, उसकी 9 पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें आपका 50 साल एज मांगा गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो होता है, उसकी आपकी 17 पोस्टें हैं। असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर की यहाँ पर 4 पोस्टें हैं, एज आप देख सकते हैं। आपका सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पर SO की 19 पोस्टें हैं। अकाउंट ऑफिसर की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। डेप्यूटी सिविल इंजीनियर की भी पोस्टें हैं, जिसमें आपकी एक वैकेंसी। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की आपकी 2 पोस्टें हैं। IT सिस्टम मैनेजर की 1 पोस्ट है। डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की आपकी यहाँ पर 20 पोस्टें हैं और एज आपकी यहाँ पर 21 से 35 होनी चाहिए, 21 से 45 होनी चाहिए, 21 से 40 होनी चाहिए। सब अकाउंटेंट कम सब आपकी एडिटर की 8 पोस्टें हैं। असिस्टेंट की आपकी 49 पोस्टें हैं। टोटल मिलाकर आपकी ये 139 पोस्टें हो जाती हैं। तो जिस भी आप कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका क्वालिफिकेशंस मांगा गया है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपका हिंदी, इंग्लिश और आपका कंप्यूटर का भी वहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की भी देख सकते हैं, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है और इन किसी भी यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पर आपका नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर में आपको प्रोफिशियंसी आपकी होनी चाहिए। सीनियर सेक्शन की भी आप देख सकते हैं। अकाउंटेंट कम ऑडिटर्स की भी देख सकते हैं, इसमें आपका जो है
हिंदी एंड इंग्लिश एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ज्ञान आपको होना चाहिए और यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं कॉमर्स से आपका यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है सब अकाउंटेंट कम सब ऑडिटर की भी यहाँ पर निकाली गई है, आप इसका भी चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के में आपका क्या है सिविल इंजीनियरिंग विथ 55% मार्क्स के साथ आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश एंड कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपका फ्रेंड्स पूरा यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन था मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरे द्वारा ये प्रोवाइड कराई गई आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें फीडबैक अपना देकर ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के लेटेस्ट जॉब के अपडेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो थैंक यू आप सभी का फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।